मेरे को फिर कहा क्या खाऊंगा मैं। अबे मेरे को भी खाना है भाई लोग। अबे यार दे दे भागा। अब तुम भागो भाई, मेरे पास कुछ नहीं बचा भाई। कुछ बचा है क्या तेरे पास? हेलो गाइज, तो गाइज मेरे तरफ से सभी को एक नमस्कार, और आशा करते हैं कि आप लोग सभी फैमिली अपना सभी परिवार ठीक ठाक होंगे। भगवान से ही प्रार्थना है कि आप लोग भी ठीक ठाक रहें और भगवान खुशी रखे, और हम लोग भी तो अच्छा हैं, कोई टेंशन नहीं है, जिंदास है और मस्ती ही मस्ती है, कोई टेंशन नहीं है गाइज। और अभी फिलहाल हम यहाँ से 9-11 होने वाले हैं, यानी कि निकलने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो इन लोग को बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम लोग अपना ध्यान रखना, हम तो अपना ध्यान रख लेंगे। बाय रोड जा रहे हैं, बाय रोड स्कूटी से, वही स्कूटी से भाई साहब, पापा का स्कूटी सुपर बाइक की तरह है क्या? हाँ, क्योंकि स्कूटी से ही जाना से सबसे बेटर लग रहा है, क्योंकि इससे ये होगा कि हमको सुविधा होगा, कहीं भी जाना होगा तो आराम से जा सकते हैं। तो क्या बोले गाइज, अभी सुबह का 8:30 बजने वाला है, यानी कि हाँ 8:30 बजने वाला है गाइज, और यहाँ से हम फिर निकलने वाले हैं गाइज। और भाई साहब इधर देखो, मम्मी अभी बैठी है, पापा भी जस्ट थोड़ी देर पहले गुलगुला लाए थे यार, मम्मी सब उड़ा दी बाबा के लिए, भात बना दी है, इसीलिए पूरा मम्मी आज बच्चा बन गई, पूरा सावन का रूप ले ली है। सावन भी नहीं बचाता था तो मम्मी भी आज गेम ओवर कर दी है भाई साहब। ये देखो और बचा है झोल, झोल खाली अच्छा नहीं लग रहा बेटा झोल। तो आज सिर्फ शैम्पू किया गाइस, और अभी थोड़ा हल्का फील हो रहा है क्योंकि बाल में बहुत ज्यादा डस्ट पड़ गया था, तो हेयर एंड शोल्डर यूज किए, बाकी बाल थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका भाई का। और अभी चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, पापा अभी बस, आप लोग कमेंट सेक्शन में पापा के लिए हैप्पी जर्नी लिखो, और सेफ रहे और अच्छा से जाए, और जो काम से जा रहे वो काम हो जाए, और पापा सही सलामत घर वापस आ जाए। पवन गया हुआ है स्कूल। तो भाई साहब इधर पापा भी खा रहे हैं मस्त, तो भाई साहब ये रहा स्कूटी, आज स्कूटी पापा लेके जा रहे हैं, मिस करूंगा बहुत ज़्यादा स्कूटी को, क्योंकि आज घूमने के लिए स्कूटी भी नहीं है। तो चार्जर उर्जर सारा चीज़ पापा ले लिए हैं, जो चीज़ का नीड है, फ़ोन चार्ज करने के लिए और सारा चीज़। तो भाई साहब फिलहाल अभी पापा जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, और मम्मी भी गेट पास आ गई है, देख रहे हैं मम्मी विदाई कर रहे हैं, हाँ विदाई दे रही है मम्मी। चलो भाई साहब, आज पवन को तो पता है ना कि आप जा रहे हैं? हाँ पवन को पता है, वो बोल रहा था हम भी जाएंगे साथ से, पवन भी जाने खोज रहा था भाई साहब, पवन भी जाने खोज रहा था, क्या हो ठीक है। तो भाई साहब पापा गए अपने मंजिल की ओर, और पवन आएगा 1 बजे, और मम्मी आज अकेले हो जाएगी, अकेले हो जाएंगे। कई बजे जाएगा तुम? हम जाएंगे अभी आधा घंटा में निकलेंगे टेम्पो से। कहाँ पर पकड़ेगा टेम्पो? टेम्पो पकड़ना, आप क्या यहाँ बता दे, टेम्पो कहाँ पकड़ना, रोड में मिलेगा रोड में। अरे ठीक है, तो आज जाएंगे ऑटो से गाइस, आज पहला एक्सपीरियंस रहेगा मेरा, क्यों मन तो देखता गाइस कैसा हो जाएगा, कैसा नहीं। भाई साहब कल तो हिंदी का एग्ज़ाम था, और आज ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, तो आज ज्योग्राफी बस चल जाए किसी तरह, बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा उस दिन क्या करेंगे माँ? उस दिन लड्डू खिलाना। हाँ लड्डू खिलाना है मम्मी जी को सबसे पहले, श्रेष्ठम का है। भाई साहब आज पैदल जाना होगा एग्ज़ाम देने, क्योंकि पापा के तो गए, क्योंकि पापा तो गए हैं आविष्कार लेके। चलो भाई सब चलते फटाफट से, और मम्मी आज आएंगे वहाँ, दिक्कत क्या? पाँच सौ का नोट दे रही है मम्मी यार, कैसे कैसे हमको घुमा ही कहाँ रोड में, अभी 100 रुपया इससे काम चलने दो, उससे दाल उल लेके हम कहाँ भटकेंगे वहाँ चेंज के लिए, 100 रुपया बहुत है, और बाकी ऑनलाइन बोलेंगे कि ऑनलाइन लीजिए अंकल, बाय बाय। चलो चलते हैं वहाँ, चलो गाइस
आज धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए कैप लगा लिए ताकि धूप ना लगे, सर बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप है यार। क्या ठीक है ना, जहाँ भी टेम्पो आएगा रोक लेंगे उसको। बाय बाय। चलो गेट रेडी टू फाइट, आज ऑटो से फाइट करेंगे भाई। एक टाइम हुआ करता था स्कूल जाया करते थे, स्कूल तो पास ही नहीं हुआ करता था, घर से 5 मिनट का रास्ता हुआ करता था, आज पैदल चल रहे भाई, आज फील हो रहा है कि भाई गाड़ी होना भी कितना ज़रूरी है चलने के लिए, बट पैदल भी चलना ज़रूरी है। अगर सोचो यार, गाड़ी जैसा सुविधा नहीं होता, पहले ज़माने में लोग तो गाड़ी भी नहीं हुआ करता था, दादा परदादा में उस टाइम लोग पैदल चला करते थे भाई साहब, दूर कम से कम 10-10 किलोमीटर 9-9 किलोमीटर लोग दूर चलते थे, सफ़र तय करते थे। आज पैदल चल रहे हैं, हाफ जाएंगे भाई साहब, कसम से बता रहे गाइस, पूरा हाफ जाएंगे। खैर कोई नहीं, हाफते पहुंच जाएंगे। आज कितना ऑटो चेंज करना पड़ेगा पता है। देखो भाई, मेहनती लड़का, हार्ड वर्क। देखो गाइस, हमारे इधर अभी रोड बन रहा है, रोड का काम चल रहा है। बाबू इधर आओ, तुम लोगों के लिए एक चीज लाया हूँ, ये देखो, खाओगे? आओ। सब चाहिए? सब मिलके खाऊंगा, सब मिल के खाएंगे यार, हम भी तो लाए, मेरे को भी तो खाना है। सब मिल के खाएगा, अकेले खाएगा? अरे तो हम कब खाएंगे? सब देना होगा, मिल के खाएंगे। रुको रुको, ऐसे छीना पाट नहीं करते, गलत बात है। रुको इधर आओ, इधर आओ, सब मिल के। रुको रुको, अरे देखो भाई जी, देखो, अरे माँ कसम मेरे से भी भारी आदमी है। रुको रुको, देखो प्यार से, देखो सुनो, प्यार से बांट के खाओगे? नहीं नहीं नहीं, प्यार से नहीं खाने। अभी नहीं, ओ ओ अपन तो लड़की, बड़ा लड़की हो, उसको देना, भाग कर देगा सब। अच्छा मैं कर दे रहा हूँ ना, खोलो इसको। नहीं नहीं खाएगा, मैं खोल दे रहा हूँ। अरे भाग कर ले। अरे ना, तो आमी की खाबो वे, अरे आमी की खाबो, उठे तो बोलची बाबा, अकेले पूरा देना इसको मेरा भाई। रुको रुको, खोलो बाबू, खोलो, तुम खोलो, अब बांटो इधर से, इधर से। अरे माँ कसम, हाँ खोलो। चार चार, अरे लेजेंड, चार। अरे भागना मत, मेरे को फिर कहा क्या खाऊंगा मैं? अबे मेरे को भी खाना है भाई लोग। अबे यार, अरे दे भाग, अब तुम भागो भाई, मेरे पास कुछ नहीं बचा भाई। कुछ बचा है क्या तेरे पास? तुम सदमा में है क्या मेरा भाई? देखा, इसीलिए बोला था मेरा साइड आता है मेरा, तो भाई मेरे को भी मिलता है, तेरे को भी मिलता है, अब सदमा में है भाई तू भी। आया बांटने, आया बाबा, आखिरकार बांटने आया है। ये देखो, ले बे खा बे। पता है बाबू मेरे को क्या बोलता पता है? सुनो बाबू, हम क्या है भिखारी, हम जंगली है, अब तुम क्या हो गया बाबू? कुत्ता। हाड़ी है, हम हो गया जंगली। तो अभी जंगली और हाड़ी मिलके क्या करेंगे? लड़ाई होगा। अरे भाई तुम लोग 3 जने, हम अकेले हैं। नहीं लड़ेगा नहीं भाई, मेरे में शक्ति नहीं है भाई, हाड़ी लोग से नहीं लड़ पाएंगे हम। हाँ बोलो, बुड्ढा को फेंक दिया, बुड्ढा को फेंक दिया। अच्छा बुड्ढा है, बुड्ढा बुड्ढे बुड्ढे, ओके बुड्ढे फेंक दिया, मेरा मामा बचाया। अच्छा, गगले खाया था वापस, डूब गया था। हाँ डूब गया था। तुम लोगों को तैरने आता है ना? नहीं नहीं आता है। अच्छा, आता है नदी में, नदी में, नदी ये बड़ा है ना, नदी में बहुत गड्ढा है, गड्ढा गिर गया,
मछली मर गया था ना यहाँ पे, तो वो मछली को क्या किया यहाँ का लोग? काट के खा गया। तो मुन्ना पार्टी में, अच्छा मुन्ना पार्टी में सेल हो गया, गुंडा पार्टी, अच्छा गुंडा पार्टी में मछली रख लिया। मेरा दोस्त मिल चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं और मेरे दोस्त ऑटो लेके आया है आज। ये मेरा दोस्त, अरे यार मेरे दे बाबा चलाता है। हाँ तो भाई कोई नहीं, अपने ही है, अपने ही है। तो ये रहा गाइस, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हैं? सब बढ़िया। हेलो बोल दीजिए। हेलो गाइस, ये रहे जोसेफ के पापा, इनसे भी काफ़ी दिन हुआ बाद मिले हैं। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से एग्जाम देने। अभी चल रहे हैं हम लोग फटाफट से कॉलेज। हाँ भाई सब बढ़िया भाई। अच्छा आप लोग फर्स्ट सीटिंग में था क्या? नहीं, सेकंड सीटिंग में। अच्छा आप लोग अभी भी दो, अभी दो गए आप? नहीं अभी हम भी सेकंड सीटिंग में है ना। क्या चाहिए आप? अभी तो 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट है और दो भाई लोग भी हैं। आज भाई लोग गेड़ियाँ मारने आए क्या? तो भाई लोग थोड़ा आए वुमेन के लिए। खैर भाई लोग से मिल के अच्छा लगा। और यहाँ देखो, नमस्ते, हम लोग आ रहे हैं।